जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पानी की किल्लत से राजधानी रांची के लोगों की भी परेशानी बढ़ेगी। रांची नगर निगम के उप नगर आयुक्त शंकर यादव ने बताया कि कई वर्षों से पानी की समस्या को दो ढंग से संभालने की कोशिश की जा रही है। कहा कि पहले पानी की किल्लत को दूर करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग को कैसे बढ़ाया जाए ताकि रांची क्षेत्र में उस पे जोर दिया जाता था ताकि लोअर ग्राउंड वाटर को कैसे रिचार्ज किया जाए, रिचार्ज रहने पे थोड़ी बहुत समस्या हल हो सकती है। साथ ही उन्होंने बताया कि गर्मियों के समय में जब चापाकल खराब होते हैं उसके लिए निगम के द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है और जल्द से जल्द ठीक करने का कोशिश भी किया जाता है। पानी की पाइपलाइन द्वारा टूटने पे कहा कि जब भी हम लोगों के पास ऐसी बात आती है हम लोग संज्ञान लेकर पीएसडी विभाग को जानकारी देकर जल्द से जल्द समस्या को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पानी बचाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयोग निगम द्वारा पिछले 7 सालों से जोरों शोरों पे चलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिसका परिणाम है कि पिछले साल की तुलना में इस साल वाटर हार्वेस्टिंग कराने वाले लोगों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। नगर निगम कार्य कर रही है और नगर निगम के अलावा हर तरह से लोगों को जागरूकता करने के लिए राज्य सरकारें भी काम कर रही हैं, मीडिया भी काम कर रहे हैं और बहुत से एनजीओ भी इसमें लगे हुए हैं। और ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि पहले से जागरूकता बढ़ी है और बीच बीच में हम लोगों के द्वारा भी विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं और इसी प्रकार कहीं भी कार्यक्रम चलता है और उसका मीडिया कवरेज होता है तो उससे लोगों में ये बात आती है कि नहीं अब पानी की समस्या आ रही है तो नागरिक के रूप में भी उन्हें अपने कर्तव्य निभाने हैं और कुछ करना चाहिए।